NCHSE CEM Debolal Gorlo Sa inaugurates various newly constructed infrastructurals at Devi Mandir in Haflong. Chief Executive Member Sri Debolal Gorlo Sa inaugurated newly constructed infrastructural at Devi Than, popularly known as Devi Mandir, at Upper Bagata near Haflong on Tuesday. The CEM was accompanied by NCHSE CEM Don Painon Thousand MSC, Ramgalungbe Jemi, Ex-Commissioner PWD Rajesh Kemprai, Devi Than Development Committee President Chabilal Pandey, All Assam Gorkha Sammelan GS Bim Bahadur Chetri and others. The newly constructed infrastructures like the Temple Gate, Cement Block, Approach Road, Viewpoint, Leaving Area and RCC parking facilities was granted under SOPD. Located at a trial, Devi Than or Devi Mandir is one of the oldest temples and in around Haflong where devotees indulge on games every year to seek blessings from Devi Ma. It is believed that the temple was established over a century ago when goddesses Devi Ma came in dreams of a woman who lost her cattle and was asked to perform a puja on the spot and finally found her lost cattle after she died. Speaking to media, CEM Gorlosa appealed that the citizens not to litter and avoid indulging in any antisocial activities within the temple area as it may have negative impression on the visitors. He also said that council would appoint an employee who will be responsible to maintain the area neat and clean, which will attract more visitors, including tourists in coming days, in terms which will boost the local livelihood. Devi Ma Mandir ka rasta banaya aur ye rasta hum log ka Dr. Himanta Biswa Sarma ji ka pyar se maya se bana hai aur yahan pe Devi Ma Mandir mein बहुत लोग आता है, पुराना मंदिर है और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू भी है, लोकेशन भी है और मंदिर भी बहुत अच्छा मंदिर है, तो इसलिए मैं ये जो रास्ता बना है उसको कॉन्ट्रैक्टर और हम लोग का पार्टी, हम लोग उनका चीफ मिनिस्टर उनको धन्यवाद देता है। और उस टाइम में रिटायर्ड कमिश्नर अभी है, उस टाइम में कमिश्नर होके बैठा कैंपराय, वो भी अपना ड्यूटी और माया से प्यार से वो भी काम अच्छा से देखभाल किया है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं दिमा हसाव का और सभी को, नौजवान लोगों को, इसी एरिया पे कमिटी का मेंबर से हम बातचीत हुआ है, बहुत इसी एरिया पे रात में कुछ गंदा करता है, कुछ दारू पी के बोतल तोड़ के चला जाता है, कुछ स्ट्रीट लाइट लगाने वाला को तोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया का माध्यम का तरफ से। और आज से हम लोग पुलिस पेट्रोलिंग और हम भी कभी कभी यहाँ पे आएगा, तो इसमें आप लोग कोऑपरेट करने पड़ेगा, इसमें कोई भी गंदा ना करिए। और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है, टूरिस्ट का लोकेशन भी अच्छा है, तो इसलिए गंदा ना करने के लिए हम फिर सा रिक्वेस्ट करता ये देवी मंदिर एरिया पे आके कोई भी गंदा ना करे। हम ये बात पहले भी बता चुका है, खाली मंदिर में नहीं है, दूसरा जगह पे, चर्च में हो या दूसरा स्टेच्यू में हो, उसमें भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का हाफलोंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है, अभी टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है, तो इसमें गंदा होने से टूरिस्ट प्लेस भी बनने के लिए हम लोग का प्लानिंग का मुताबिक नहीं होगा और गंदा अपने लिए भी, खुद के लिए भी अच्छा नहीं पाता है हम लोग सब लोग भी, तो इसीलिए इस काइंडली इसका इसी एरिया का गंदा ना करे। और इसमें कैमरा उमरा भी हम लोग कराएगा लगाएगा और यहाँ पर इसी एरिया का योगा सेंटर भी कराएगा और टाउन कमेटी का तरफ से हम लोग डस्टबिन यहाँ का साफ सुथरों के लिए हम लोग बातचीत करेगा और यहाँ का पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट का तरफ से इस रूट को हमेशा साफ सुथरों अच्छा रखने के लिए एक मार्शल रूल में भी हम लोग अपॉइंट किया है, तो इसीलिए इसी एरिया के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। और टूरिस्ट अगर यहाँ पर आएगा तो सभी लोगों के लिए भी अच्छा है, ऑटो ड्राइवर लोगों के लिए भी, छोटा मोटा दुकानदार के लिए भी, सभी लोगों के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे आके सब लोग भी शादी और
शादी भी करा सकता है, करके भी गया है और यहाँ पे आके अच्छा भी लगेगा मन का भी। आप लोग कभी सब लोग भी आइए और आप लोग में सब लोग आने से ये देवी मंदिर में दर्शन करके जाइए। हम लोगों का देवीथान डेवलपमेंट कमेटी का तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है सभी को। आज बहुत ही अच्छा दिन है हम लोगों के लिए। आज तीन तीन चीज़ का यहाँ इनोग्रेशन हुआ है। सबसे पहले देवीथान वेलकम गेट और देवीथान अप्रोच रोड और साथ ही ये गेस्ट हाउस ऑनरेबल CEM देवलाल गोल्लोसा जी ने और साथ ही अन्य गेस्ट भी यहाँ मौजूद थे। और ये गर्व का बात है हम सब के लिए। जैसा कि हम सब आप सब जानते हैं देवीथान में पूजा होने का प्रथा शुरू हुआ है आज से लगभग 130 साल पहले। लेकिन हम लोगों का देवलाल गोल्लोसा जी का लीडरशिप में जितना डेवलपमेंट हम लोगों को देखने मिला उतना डेवलपमेंट बहुत थैंक्स देना चाहता है इतना सारा डेवलपमेंट में हम लोगों को देने के लिए और ये जगह को डेवलप कराने के लिए और जो भी गाइडेंस आज सर ने एश्योरेंस दिया और उसके लिए स्पेशली हम थैंक्स देना चाहेगा कि यहाँ का साफ़ सुथरा रखने के लिए, रास्ता का देखभाल करने के लिए, ड्रेन ठीक रखने के लिए सर ने हम लोगों को ही हम लोगों का तरफ से भी एक आदमी का नाम सजेस्ट करने के लिए बोला है और उनको MR में रखने का सर ने एश्योरेंस दिया है। इसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ का डेवलपमेंट के लिए जैसा प्लांटेशन हो, साफ सफाई, ये सब के बारे में भी जो भी गाइडेंस दिया है उसके लिए सबको थैंक यू। और जितना भी भक्तजन आया यहाँ और आने वाला दिन में और भी आइए और कुछ जो भी सुझाव है, कुछ गाइडेंस है तो हम लोग सबका वेलकम करता है। और जितना भी मीडिया पर्सन जो भी हम लोग इन्वाइट किया आप लोग आया और इतना धूप में भी थोड़ा तकलीफ हुआ आप लोगों को सबको बैठने के लिए, फिर भी आप लोग पेशेंस रखा और बैठा, उसके लिए आप सबको भी थैंक यू। जय देवी माता।